Dear students, good morning. Today, we are going to learn the contextual meaning of the expressions and difficult words used in the chapter Ranga's Marriage. It is the third chapter of the book Snapshot. In the next session, I will explain this chapter. Dear students, aaj hum इंग्लिश की सेकंड बुक स्नैपशॉट का थर्ड चैप्टर रंगाज़ मैरिज, उसमें जो भी एक्सप्रेशंस यूज़ हुए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुआ है, उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखेंगे. कुछ ऐसे भी एक्सप्रेशंस हैं जो हम पहले से जानते हैं लेकिन रिवीजन हो जाएगा, इसलिए हम उनको भी मेंशन करने वाले हैं. फर्स्ट है फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ का झुंड. कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप्स. मानचित्रकार, नक्शानवीस. फ्ली पेस्टर डॉग, फ्ली मीन्स, फ्ली क्या है, वो एक पैरासाइट है जो किसी एनिमल के आउटर स्किन पे रहता है और उसका ब्लड सक्कर के अपना फूड ऑब्टेन करता है. तो फ्ली पेस्टर डॉग यानी वो डॉग जो जिस पे फ्ली का आक्रमण हुआ, हमला हुआ है, यानी उसके बॉडी पे फ्ली एज ए पैरासाइट रह रहा हो. तो फ्ली पेस्टर डॉग, डॉग इन्फेस्टेड बाय फ्ली. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एक्चुअली, वेरली, इनडीड, इन रियलिटी, वास्तव में, वास्तविकता में, दर हकीकत. एवर सो, वेरी. अ फीस्ट टू बिहोल्ड, इम्प्रेसिव, माइंड ब्लोइंग, ऑसम. सेवेंथ वर्ड है रैम्बलिंग, वेरी लॉन्ग एंड कन्फ्यूज्ड स्पीच और राइटिंग. प्राइसलेस, ऑफ ग्रेट वैल्यू, बहुमूल्य, बेशकीमती. नाइन्थ वाइड स्प्रेड, फाउंड और हैपनिंग ओवर अ लार्ज एरिया. जैसे अभी COVID-19 फैला हुआ है, हम कह सकते हैं COVID-19 इज वाइड स्प्रेड. मेल्ट अवे, टू डिसअपीयर, पिघल जाना, ख़त्म हो जाना, छट जाना. भीड़ है बहुत ज़्यादा, वो भीड़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, छट जाती है, वहाँ पर मेल्ट अवे यूज़ कर सकते हैं. बर्फ़ का पिघलना, वहाँ पर मेल्ट अवे यूज़ होगा. आप किसी से बहुत ज़्यादा एंग्री थे लेकिन धीरे धीरे आपका गुस्सा ख़त्म हो गया, वहाँ पर भी मेल्ट अवे यूज़ होगा. प्लीजेंट्रीज, फ्रेंडली रिमार्क, कन्वर्सेशन, इन ऑर्डर टू बी पोलाइट. कंसिडरेट, इट मीन्स थॉटफुल और कंसर्न्ड. ट्रूप, TROUPE, पार्टी और कंपनी ऑफ परफॉर्मर्स. आर्टिस्ट का ग्रुप है जो कहीं परफॉर्म करता है, तो ये ग्रुप ट्रूप कहलाएगा, TROUPE, ट्रूप. मेड अप माई माइंड, अगर किसी ने कहा कि आई मेड अप माई माइंड, इट मीन्स मैंने निश्चय कर लिया है, आई एम डिटरमिंड, तो मेड अप माई माइंड, डिटरमिंड, निश्चय कर लिया. फ्री विथ मी, बुक में जो यूज़ किया गया है फ्री विथ मी, वो एक फीमेल कैरेक्टर के लिए है, तो फ्री विथ मी वहाँ पर मतलब है मुझसे घुल मिल गई. नेक्स्ट है सेंट फॉर, बुला भेजा. थ्रेशहोल्ड, दहलीज. पीप्ड इन, लुक्ड इन सीक्रेटली, टांग झांक करना. एब्रप्टली, ऑल एट वंस, सडनली. सेवरिंग, टेस्टिंग, स्वाद लेना, मज़ा लेना. ग्लांस्ड, लुक्ड, देखा. बिट्रे, देखो बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, लेकिन यहाँ पर है पोर्ट्रे करना, रिप्रेजेंट करना. सपोज दैट आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, लेकिन आप जो आप बात उस टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन आपका टोन आपके गुस्से का साथ नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि वो बिट्रे कर रहा है आपका जो टोन है, इट इज़ बिट्रेइंग योर एंगर. नेक्स्ट इज श्रिवेल्ड, घर में बैंगन बनते हुए आपने देखा होगा, बैंगन का भरता, पहले उसको भूनते हैं और भूनने के बाद क्या होता है, उसका मॉइस्चर ख़त्म होता है तो वो सिकुड़ जाता है, उसमें रिंकल्ड झुर्रियाँ टाइप के बन जाती है, तो श्रिवल्ड, श्रंकन एंड रिंकल्ड. हमने वो एग्जांपल दिया बैंगन का, ब्रिंजल का, तो श्रंकन एंड रिंकल्ड, स्पेशली एज ए रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ मॉइस्चर, कॉन्ट्रैक्टेड, सिकुड़ जाना. पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया पंडित के पास पोथी पत्रक होता है, तो अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स और टूल्स टू डू अ पार्टिकुलर एक्टिविटी, स्पेशली सुपरफ्लूअस, पोथी पत्रक.